Assalam everyone, welcome to my channel Self Craft. This is my first video ever, that's why I'm super excited. Please subscribe to my channel and click the bell icon and like the video also. आज मैं आपको autumn fall tree painting बनाना सिखाऊंगी, which is very simple as well as very attractive. उसके लिए जो हमें material चाहिए, वो है a bunch of cotton buds and a pencil and an eraser, obviously for drawing. और हमें इसके लिए स्कॉलर चार्ट चाहिए. आप इसके लिए कंप्यूटर शीट भी यूज कर सकते हैं. उसका जो साइज है वो A4 होना चाहिए. और अब पेंटिंग बनाने के लिए हमें जो कलर्स चाहिए वो हैं पोस्टर कलर्स. आप वैसे ऑयल कलर्स भी यूज कर सकते हैं, मगर मैंने पेंटल के पोस्टर कलर्स यूज किए हैं, रेड एंड येलो एंड ब्लू. दीज आर बेसिक कलर्स. तो अब हम इन सब चीजों को यूज करके अपनी पेंटिंग बनाना सीखेंगे. सबसे पहले अब हम इसमें ड्राइंग करेंगे, जिसमें हम ब्रांचेस बनाएंगे. तो अब हम ब्रांचेस बनाना स्टार्ट करते हैं. अब हम इसमें किसी मतलब रैंडम सी ब्रांचेस बनाएंगे, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, बस रैंडम सी. ये देखिए, इस तरह करके हम ब्रांचेस ड्रॉ करेंगे. मगर ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज बनाए वो मस्ट बी नीट होनी चाहिए. अब इसकी ब्रांचेस को कलर करने के लिए हम ब्लैक पोस्टर यूज करेंगे, और इसके लिए हमें एक बारीक वाला ब्रश चाहिए. सो लेट्स गो. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हमारा ट्री कंप्लीट है, बस इसकी कुछ ब्रांचेस हैं. ये अब ब्रांचेस हमारी कंप्लीट बस होने वाली हैं. अब आप देख सकते हैं कि हमारा ट्री ऑलमोस्ट बल्कि कंप्लीटली डन है. इसकी हमने सारी ब्रांचेस में कलर कर दिए हैं. तो अब इसके हम पेंटिंग कलर करने के लिए आपको मैं बता दूं कि हमने 3 बेसिक कलर से 2 मजीद कलर्स बनाए हैं. हमने ब्लू एंड येलो को मिक्स करके ग्रीन बनाया है, और हमने येलो एंड रेड को मिक्स करके ऑरेंज बनाया. और आप सब जानते हैं कि यही ऑटम कलर्स हैं और यही यूज होते हैं ऑटम ट्री बनाने में. सो अब हम बनाते हैं ऑटम ट्री के लीव्स, फॉलिंग लीव्स स्टार्ट करेंगे. और इसके लिए हमें ये जो बंच ऑफ कॉटन बर्ड्स है वो इसके लिए हम चूज करेंगे, और थोड़े थोड़े कलर्स लगाएंगे, एकदम से ज्यादा से नहीं लगा देने. आप देख रहे हैं. आप देख सकते हैं ये कितने प्यारे लग रहे हैं और अट्रैक्टिव भी. आप देख सकते हैं ये कितना सिंपल है. एंड इट सीम्स एज अ रियल ऑटमन ट्री. अब इसके लिए फाइनल लुक के लिए हम एक फ्रेम बनाएंगे चार्ट का, कोई भी आप चार्ट यूज कर सकते हैं. तो हम ये इस तरह ऊपर लगाएंगे, और एक फ्रेम से एक चीज की लुक जो है वो काफी अच्छी हो जाती है और वो परफेक्ट लगता है. सो आवर ऑटम ट्री फॉल इज रेडी नाउ. अब हम इसी तरह का एक और ट्री लैंडस्केप में ड्रॉ करेंगे, ताकि और इसी को बनाने के लिए हमें 2 कॉटन बर्ड्स बॉल्स की ज़रूरत है, और कलर्स हम सेम वही यूज़ करेंगे. तो अब हम एक नए पैटर्न का ट्री बनाते हैं. देख सकते हैं ये कितना सिंपल है और ये कितना अट्रैक्टिव.
आप देख रहे हैं कि ये फाइनल लुक है इसकी और ये बिल्कुल एक ऑटम ट्री लग रहा है। मतलब जैसा कि आपने देखा कि ये दोनों अब फ्रेम में आ चुके हैं और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और आप ये अपनी वॉल्स पे भी लगा सकते हैं और ये बहुत अट्रैक्टिव हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।